हमारे देश की धार्मिक विरासतों में शिव मंदिरों की अहम भूमिका है। भारत के विभिन्न प्रांतों में भगवान शिव को समर्पित अनेक प्रसिद्ध व भव्य मंदिर है। आज हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान शिव के एक मंदिर की ओर ले चलते हैं। ब्रह्मादेव मंदिर, इसे एक प्राचीन सिद्धपीठ भी माना जाता है। भले ही अन्य क्षेत्रों में यह मंदिर प्रसिद्धि प्राप्त न कर पाया हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की इस पर ज़्यादा आस्था है। ये मेरठ शहर से 40 किलोमीटर दूर हिंडन नदी पर स्थित है। ये हिंडन नदी है। इतिहास में लिखा है कि रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी पौराणिक काल प्रतिदिन नए मिट्टी के घड़े में ब्रह्मादेव अभिषेक हेतु इस नदी से जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करती थी। इस प्राचीन मंदिर का दृश्य हमारे आध्यात्मिक भावना को उजागर कर रहा है। ये पूरा महादेव का पवित्र शिवलिंग है। इस पवित्र शिवलिंग से हमें सौभाग्यशाली होने का प्रभाव होता है। ये हजारों साल पुराना है। यह भगवान परशुराम द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में किए गए पापों से मुक्ति के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी। ये शिवलिंग एक अजूबा है। ये धरती में गहराई तक समाया हुआ है। इसकी गहराई का किसी को ज्ञान नहीं। इसकी गहराई को नापने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रयास भी किया है, किंतु वे सफल नहीं हुए। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का असफल प्रयास किया था। जंजीरें व रस्सियां बांधकर इस शिवलिंग को हाथियों द्वारा बाहर निकालने का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात भी यह शिवलिंग बाहर न निकाला जा सका। हालांकि अभी इस शिवलिंग को देखें तो यह थोड़ा सा झुका हुआ है। ऐसा औरंगजेब द्वारा लिंग को ध्वस्त करने के असफल प्रयास द्वारा है। लिंग पर चोट के भी निशान हैं। यह निशान हमलावरों द्वारा भारी हथौड़ों के प्रहार के कारण हैं। यह समझाते हुए मंदिर के पुजारी आशुतोष शर्मा बताते हैं, औरंगजेब ने जब यहाँ आया तो यहाँ शिवलिंग को हाथी से बंधवा जंजीर में बांध कर हाथी के पैरों में बांध के खिंचवाया, इन्हें उखाड़ने के लिए इन पर भाले तलवार वगैरह चलाई, जिससे यहाँ शिव जी पे निशान पड़ गए। और जब ये शिव जी यहाँ से जब निशान पड़े ये तो इसमें से दो धारा निकली, एक सफ़ेद रंग की एक लाल रंग की, तो फिर धारा देख कर वो छोड़ कर यहाँ पर चला गया। श्री आशुतोष शर्मा ने यह भी बताया कि किस प्रकार शिवलिंग वर्ष में 3 बार अपना रंग बदलता है। गर्मियों के समय, अब जैसे गर्मी का समय चल रहा है, इसमें थोड़ा ताम्र कलर के हो जाएंगे, फिर सर्दियों में थोड़ा काले से कलर के हो जाते हैं, और बरसात के मौसम में थोड़ा हरियाली सी आ जाती है। लेकिन ऐसे करके जो है ना, ये 3 बार कलर बदलते हैं साल में। मैं इस पर रिसर्च हुई थी, पर वो कुछ पता नहीं कर पाए इस चीज़ का रिसर्च पे। इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझाया जा सका। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु सावन के पावन महीने में इस मंदिर में लाखों मात्रा में आते हैं। ये कांवड़िए गौमुख व हरिद्वार से कांवड़ में जल लाकर यहाँ जलाभिषेक करते हैं। ये अभिभूत करने वाला भव्य दृश्य है कि लाखों कांवड़िए कतार में खड़े होकर पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने की प्रतीक्षा करते हैं। पूरा महादेव मंदिर में कुछ ही दूरी पर भगवान परशुराम का भव्य मंदिर स्थित है, जिनका निर्माण अब हिंडन नदी के निकट किया जा रहा है। इस स्थान पर भगवान परशुराम की प्राचीन प्रतिमा भी है। यहाँ हमारी मुलाकात श्री कृष्ण मुनि से हुई, जो मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने हमें परशुराम में उनकी पूजा का स्थान दिखाया। अनेकों मूर्तियों में हमें जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका की मूर्ति भी देखने को मिली। इस स्थान की एक खास बात यह भी है कि मिट्टी के घड़े के अवशेष आज भी पाए जाते हैं, जिसमें रेणुका माता प्रतिदिन हिंडन नदी से जल भरकर लाती थी तथा पूरा महादेव पर जलाभिषेक करती थी। जैसा कि हमने बताया, रेणुका माता प्रतिदिन नया घड़ा बनाकर इस्तेमाल करती थी तथा पुराने घड़े को
तोड़कर नष्ट कर देती थी। इस स्थान पर वह घड़ों को तोड़ती थी। हजारों वर्ष उपरांत भी घड़े के अवशेष आज भी देखे जाते हैं। मेरठ के निकट स्थित पूरा महादेव मंदिर अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। इस मंदिर के शिवलिंग के दर्शन कर पाना वास्तव में सौभाग्य का विषय है। जय भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बराबर में लाल बटन है, उसे भी दबा दो। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। जय भोले।